हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। तो देखिए, शैंटून मैंने 1 मीटर लिया है, 1 मीटर लाइनिंग ली है और ये मेरे पास एक ब्लाउज़ का पीस है। तो जिसमें मेरे को एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना है जिसमें बना पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने पूरा ब्लाउज़ आपको दिखा दिया है सामने। ये देखिए, फ्रंट है या बैक कर लीजिए, ये स्लीव्स हैं, ठीक, ये दूसरी स्लीव्स हैं और साइड में इसके बॉर्डर है। तो हम इसको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बनेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास शैंटून है 1 मीटर। तो आड़े रुख में जब भी शैंटून में बनाना है, आड़े रुख में बनाना है, नहीं तो ब्लाउज़ बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। साइज़ मैंने सामने मेंशन कर दिया है और जितना भी आपका साइज़ है सिर्फ बस साइज़ में 1 इंच ऐड करना है और कहीं पर भी कुछ नहीं करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नीचे मैंने एक लाइन लगा लिया है, उसको हम कट कर देंगे क्योंकि हमें इसके अंदर मार्जिन नहीं लेना है। प्लेट का मैंने लेंथ लिया और फिर मैंने इसकी ब्लाउज़ की लेंथ ले ली। लेंथ लेने के बाद इसका हमारे पास 14 शोल्डर है, उसमें मैंने 1 माइनस किया, 13 हो गया। 13 का 6.5 हमने शोल्डर लिया और 6.5 यहाँ लिया मैंने। 43 इसकी बस साइज़ है, 43 में 1 ऐड किया, 44 हो गया। 4 से डिवाइड करके 11 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब नीचे हम बिल्कुल सीधा लेंगे, अभी हम इसमें इसकी वेस्ट की शेप नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। अब हम शोल्डर का स्लांट डालेंगे ओनली 1/2 इंच का और आर्म होल की बैक साइड की शेप लेंगे। अब फ्रंट में 1 इंच आगे बढ़ाएंगे और ऐसे शेप डालेंगे, ये हमारी फ्रंट इंच की शेप हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम मार्जिन रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखा है, लेकिन मेरे को ये मैं न्यूली मैरिड का बनाऊंगी तो इसलिए मेरे को इसके अंदर मार्जिन एक्स्ट्रा रखना होगा। तो देखिए, मैंने इसमें बाहर वाली शेप काटी है क्योंकि अभी हम एक पीस काट रहे हैं, जब दोनों कट जाएंगे फिर हम फ्रंट शेप उसमें डाल देंगे। तो देखिए, एक पीस हमारे पास कट गया है, ये फ्रंट है। अब फ्रंट कर लो या बैक कर लो, अभी दोनों सेम बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम इसमें अपनी जो फ्रंट पोर्शन है उसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान लगाने के बाद हम इसी पोर्शन को उसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, अब रख के हम इसको भी बिल्कुल इसके बराबर काट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी लेंथ जो बैक पोर्शन है उससे 1 इंच कम रखी है। अब ये मेरे पास जो कॉटन का फैब्रिक है, ये सिर्फ हम फ्रंट में ही लगाएंगे, बैक में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पैड लगेंगे तो ये हमें लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इसके बराबर रख के हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। और एक शेप जो हमारी डलेगी वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले हम इसकी नेक की विड्थ ले लेते हैं, अब नेक की लेंथ लेते हैं। तो देखिए, जहाँ पर हमारी आर्म होल की लाइन है बिल्कुल सीधा इसका लेंथ लेंगे। बनने के बाद थोड़ा छोटा दिखेगा, अभी इसको बताती हूँ आपको कैसे लेना है। और ऊपर से हम 4 इंच लेंगे, ऐसे एक निशान लगाएंगे और लगाने के बाद ये देखिए, अब हम इसमें शेप डालेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इसका जो पोर्शन है, इसे आप बैक में भी कर सकते हो, फ्रंट में भी, लेकिन मैं इसे फ्रंट में करूँगी। और देखो कैसे रखते हैं, इसमें बना पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने ये डिज़ाइन बनाया, बहुत ही सुंदर लगा। फाइनल लुक भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ से हमें स्लीव्स लेना है। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो भी लंबी है, 10.5 इसकी स्लीव्स की लेंथ है। तो हम ये देखिए 11 के आसपास रख के ऐसे रखेंगे, ठीक है। 11.5 रख के अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है, इस वजह से जो है ये इतना हमारे को कम पड़ रहा है। अगर छोटे साइज़ का होता, एक्स्ट्रा स्मॉल में होता, तो बहुत आराम से बन जाता। ये एक्सल साइज़ में है। देखिए, अब यहाँ के लिए हम जॉइंट कट करेंगे, ठीक है ना, वो सारा सिलाई में अंदर चला जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। तो अब हमारे पास ये जो बचा है, यहाँ पर हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसको ऐसे रख लेते हैं फोल्ड करके, बिल्कुल जैसे हम सिंपल अपने सूट की या ब्लाउज़ की, जिसकी भी स्लीव्स बनाते हैं फिटिंग वाले कपड़ों की, तो सूट की जो स्लीव्स बनाते हैं, तो वो हम इसका ड्राफ्ट लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें भी थोड़ा सा कपड़ा एक साइड कम पड़ रहा है, इसमें भी जॉइंट लगेगा। ये जितने भी हमारे जॉइंट लगेंगे ना, ये सारे अंदर मार्जिन में चले जाएंगे, बाहर बहुत कम दिखेगा,
चलिए अब ये जो हमारे पास बॉर्डर लगा हुआ कपड़ा है, इस पूरे बॉर्डर को हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब वैसे तो दिया हुआ ऐसे था कि भाई आप इसमें से बाजू बना लो, ठीक है ना, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसमें हम यहाँ पे बैक पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया है, ये मेरे पास जो नेट है वो खुला हुआ है वहाँ पर, और मैं इसको ऐसे करके रख के बराबर कट कर लूँगी। और कट करने के बाद देखिए अब मैं जो लाइनिंग है ना इसको भी कट कर लूँगी बीच में से, बैकलेस है, बहुत सुंदर ब्लाउज़ बनेगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम बनाते चलेंगे। ये देखिए कटिंग हमारा हो गया। अब हमें जितने जॉइंट काटने हैं, अब जितनी भी हमारी नेट बची है उसमें से सारे जॉइंट कट कर लेंगे और इनको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना। जो भी जॉइंट हम जहाँ के लिए काटेंगे उसको जोड़ देंगे। तो स्लीव्स में ये जो बॉर्डर है स्लीव्स के आगे लगा लेंगे। चलिए अब हम इसका भी जॉइंट कट कर लेते हैं, जो हमारे फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा कम आया था, ये देखिए इतना कम है ना। तो कपड़ा तो हमारे पास काफ़ी सारा है, इसी को रख के हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब हमने देखिए सारे जॉइंट्स जोड़ लिए हैं और बैक साइड में मैंने इसको पूरा अटैच कर लिया। अटैच करने के साथ जो बैक साइड की प्लेट डलती है वो भी मैंने डाल लिया है। तो काफ़ी हद तक बैक साइड का काम हो चुका है, स्लीव्स में जॉइंट लग गया है, बॉर्डर लग गए हैं और अब बस इसकी स्लीव्स की फिटिंग करनी बाकी रह गई है, ठीक है ना। तो जॉइंट वगैरह लगा के सब कंप्लीट कर दिया है मैंने। चलिए अब हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट तैयार करने के लिए ये मेरे पास जो इसकी शेंटून है इसको पहले हम इसके ऊपर रखेंगे और जो इसकी प्रिंसेस कट की कटिंग होनी है अब उसको कर लेंगे, ठीक है। 3.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये देखिए, ठीक है। और इसे मैंने बिल्कुल नीचे ऐसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास कोना बना है ना, जब आर्म होल का बनाते ड्राफ्ट बनाते समय कोना बना, इस कोने से हम इसको मिला देंगे। ये देखिए ये मैंने इसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद मुझे इसकी प्लेट की विड्थ लेनी है, तो मैं 2 इंच की इसकी विड्थ लूँगी। ये देखिए इसीलिए मैंने ये बाहर जो ज़्यादा बढ़ाया था इसीलिए बढ़ाया था, क्योंकि ये विड्थ वगैरह में सब चला जाता है। अब मैं इसको गोलाई में मिला दूंगी, ये देखिए बस। अब हम इसको भी हल्की सी गोलाई ले लेंगे, 1/2 इंच की गोलाई ले लेंगे यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ये देखिए। अब बहुत संभाल के करना होगा कि कभी हमारा कुछ एक्स्ट्रा ना कट जाए, क्योंकि इस कपड़े में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपका कहीं पे भी गलत कटा तो आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा कपड़ा। ये देखिए पहले हम इसको ऐसे काटेंगे, ये देखिए 1/2 इंच जो आपकी लाइन है उससे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अभी जब बीच का कपड़ा निकलेगा तो आप देखना कि कितना आपका अंतर आया है इसमें। यहाँ पर हम पहले ही कट लगा लेंगे, अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया और लगभग 1/2 इंच के आसपास मैंने निकाल दिया कपड़ा ऊपर से, ये देखिए, ठीक है। ऐसे कपड़ा आपका निकल जाना चाहिए। चलिए अब हम इन सब को अटैच करेंगे। ये देखिए उल्टी साइड पे रख के अटैच कर देंगे और ये इसकी साइडें हैं। अब हम इसकी साइडों को जो ब्लाउज़ है उसमें जोड़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपना एडवांस ब्लाउज़ कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो इसमें मैंने 6 टाइप के ब्लाउज सिखाए हैं। तो आपको मिलेगा इसके अंदर चोली कट ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, मैघर ब्लाउज
और स्पेगेटी ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज मिलेगा। और एक ब्लाउज प्रिंसेस कट में आपको मिलेगा जो पतली स्टेप वाला ब्लाउज होता है, स्लीवलेस ब्लाउज। और जो प्रिंसेस कट एक दिखाऊंगी वो आपको फुल स्लीव्स और दोनों ही डीप नेक, बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। और इसी को मैंने, इस फुल कोर्स को मैंने दो हिस्सों में भी डिवाइड किया है। अब सपोज करो जैसे किसी को आप कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज आता है और उन्हें सिर्फ प्रिंसेस कट और स्पेगेटी ब्लाउज सीखना है, तो आप मेरा मॉडर्न ब्लाउज कोर्स ले सकते हैं। और अगर किसी को चोली कट ब्लाउज, कटोरी कट ब्लाउज, मैगियर ब्लाउज सीखना है तो आप मेरा ब्लाउज कोर्स ले सकते हैं। तो मुझे ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं या डायरेक्ट मुझे मैसेज करें। अब हम इसके बीच सेंटर में एक प्लेट डालेंगे, ये प्लेट डालना जरूरी है, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। ये देखिए एक एक इंच का गैप लेके हम इसको जोड़ देंगे। अब हम बीच सेंटर की जो प्लेट है उससे 3.5 नीचे निशान लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम इसका पैड जोड़ेंगे, तो इसी के अंदर ही जोड़ देंगे पैड। इससे क्या होता है, पैड हिलता नहीं है अपनी जगह से। ये देखिए ठीक है, आपको मैंने दोनों तरीके सिखा रखे हैं, एक लाइनिंग में पैड लगाना और एक आपको ब्लाउज में ही अटैच करना, तो जो सा आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे करके बिल्कुल इस निशान तक लाएंगे। अब दूसरे पैड को भी जोड़ लेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह। ये देखिए दोनों पैड्स जुड़ चुके हैं ठीक है। अब इसे खींच के इसके ऊपर सेट कर देंगे, क्योंकि अभी जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर ये खींच के सेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम पहले ऐसे कर करके पिनअप कर देंगे जिससे कि इसके अंदर जरा सा भी झोल ना रहे। तो ये देखिए दोनों पैड्स लग गए हैं और दोनों हम बहुत अच्छे से अटैच कर चुके हैं। अब हम इसकी लाइनिंग के नेक में कट लगाएंगे। कट लगा के अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है, इसमें भी हम बीचों बीच कट लगाएंगे और ऐसे रख के ठीक है ना, ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे और रख के सिलाई लगा देंगे। ये अंदर को पलट जाएगा कपड़ा, बस नेट को अटैच नहीं करेंगे, नेट तो अलग ही रहेगी। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी सेम प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए अब हम पलटते हैं इसको। अब पलट के ऊपर जो हमारा जो टॉप है उस पर सिलाई लगा देंगे नेक के पास, ताकि हमारी नेट भी उसमें अटैच हो जाए। अब हम पूरे ब्लाउज़ में साइड में सिलाई लगाएंगे। हमारा शैंटून तो अटैच हो चुका था, अब हम कॉटन को भी इस पर अटैच कर देंगे। ये देखिए ठीक है, कहीं पे आपको झोल दिखे तो आप उसे निकालते हुए आगे बढ़ जाना। ये देखिए सब तरफ हमारा ये अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे की तरफ थोड़ी सी शेप कर लेंगे, हल्की सी गोलाई डाल देंगे ठीक है। अब हम इसकी ये देखिए आर्म होल की शेप भी कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने
छोड़ दिया था आर्म होल की शेप, अब हम करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं हल्की करेंगे। ये देखिए अब हम इसका गला भी काट लेंगे, गले में डिज़ाइन बना है बस उसके पास पास काटेंगे क्योंकि उसमें हम गोल्डन कलर की पाइप पिन लगाएंगे। ये देखिए ठीक है, अब देखिए फ्रंट पार्ट हमारा बन चुका है, बस अब थोड़ा बहुत काम रह गया। नीचे हम एक पाइपिंग लगाएंगे लेंथ में और वहाँ पर हम इसके बॉर्डर भी लगाएंगे। ठीक है चलिए अब यहाँ का हो गया, अब हम बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे अब हम इसका शोल्डर का नेक काटने के बाद बचा हुआ शोल्डर नापेंगे। अब जितना भी आएगा, ये तो हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग आया 3 इंच का, अब आपका जितना भी आएगा आप उसको ले लेना। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच ले लिया। अब लेने के बाद मैं इसकी जो नेक की लेंथ है वो बनाऊंगी, तो पूरी लेंथ की बनाऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे जो हमारी लेंथ है इसे 1 इंच की गोलाई दे देंगे। ये देखिए ये दे दिया मैंने गोलाई हल्की सी। अब हम इसमें एक पान गला काटेंगे। ठीक है बस यहाँ से 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि बस सिर्फ वो सिलाई में चला जाएगा, बिल्कुल नोक ही बनेगी। प्लेट तक हम इसकी पान की शेप देंगे, बाकी ऊपर गोल रहेगा, और लेके बस कटिंग कर देंगे। ये देखिए ठीक है, अब यहाँ पे सारा पिनअप कर लेंगे क्योंकि अस्तर खुल चुका है ना, इसलिए चलिए अब हम इनके शोल्डर जोड़ेंगे। चलिए अब हम इसके जो नेक है उसमें पाइपिंग लगाते हैं गोल्डन कलर की। ये मैंने एक खूब लंबी सी 3 मीटर के आसपास की पाइपिंग बना रखी है, और बस मैं इसको ऐसे करके पूरे गले पे लगाती चली जाऊंगी। थोड़ा खींच के लगाना है ठीक है, तो ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब पाइपिंग लगने के बाद हमें क्या करना है, इसकी सफाई करना है, और बस इसमें बारीक बारीक शो करते हुए इस पूरी पाइपिंग को हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम पाइपिंग इसके नीचे भी लगाएंगे, जैसे गले में लगाई ना सेम वैसे ही नीचे लगाएंगे। मैंने इसको लगा के 1 इंच की पट्टी भी इसके नीचे लगा दी है, तो इससे थोड़ी कमर पे ना ग्रिप बन जाती है, जो हमारी वेस्ट साइज़ होती है ना, तो ये लगाने से इसकी ग्रिप बन जाती है, इसीलिए मैंने फ्रंट पोर्शन 1 इंच कम बनाया था बैक पार्ट से। अब हमारे को इसकी फिटिंग लेनी है, तो जितनी भी आपकी फिटिंग हो आधा आधा लेना है ठीक है, नेक से हाफ इधर हाफ उधर, और वेस्ट साइज़ के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी लूजिंग नहीं लेना। तो वेस्ट साइज़ की फिटिंग भी हमने लगा ली है, और लगाने के बाद बस अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे, और बैक साइड की जो फिटिंग लगाएंगे ना, तो उसमें जो हमारा कपड़ा हमने ये कट किया था ना, इसी को रख के निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, बहुत बड़ा गला है, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे को फिटिंग लेना कहाँ पर है। सिर्फ ऊपर की फिटिंग लगाते समय जोड़ना है, और बाकी तो हम नीचे तो वैसे ही ले लेंगे ठीक। अब ले के हम इसको साइडों से अटैच कर लेंगे ठीक है, दोनों साइड से अटैच करेंगे। करने के बाद जो भी हमारा जो बैक पोर्शन है इसके अंदर हम पाइपिंग लगाएंगे ठीक है। तो चलिए साइडें तो अटैच हो चुकी हैं, अब हम इसका सब फाइनल चेकिंग कर लेते हैं। फिटिंग वगैरह चेक करने के बाद आप इसे देख लेना कि आपका आर्म होल में कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आया हो, तो आप उसे अभी कटिंग करके उसे ठीक कर लेना, क्योंकि नेट के अंदर बहुत जल्दी दिखने लगता है। स्लीव्स के अंदर अगर थोड़ा भी ऊंचा नीचा कपड़ा होता है ना, तो दिख जाता है। अब देखिए आपकी जितनी गोलाई है उतनी ले के बस आप ऐसे करके एक सिलाई लगा लीजिए,
और इसको जैसे सिंपल हम बाजू जोड़ते हैं उस तरह आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम इसके जो बैक वाला पोर्शन है उसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे और इसे फाइनल टच देंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स हमने बहुत सुंदर लटकन भी लगाया है, तो ये लटकन लगानी जो है मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे देख लेना। अब आप देखिए ब्लाउज़ बन के कितना सुंदर बना है, और मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इसके अंदर ऐसा ब्लाउज़ बन जाएगा। ये देखिए फ्रंट साइड देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। अब इसका मैं बैक साइड दिखाती हूँ, और ये देखिए बैक साइड, ठीक है ना। बस मैंने इसकी वेस्ट साइज़ पर डोरी लगाई है, लेकिन अंदर एक हुक लगाया है जिससे कि इसे जब पहने तो कंफर्टेबल रहें, ठीक है ना। हुक लगाना ज़रूरी है, डोरी तो बांध ही लेंगे। और देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ पहन के।